बच्चों हमें विटामिन ए की बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, तुम्हारे पढ़ने का तरीका भी ठीक नहीं है। पढ़ते समय कुर्सी पर हमेशा सीधे बैठकर ही पढ़ना चाहिए। हाँ बच्चों, हमेशा हमें कुर्सी पे इस प्रकार से सीधा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। यदि तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, कम से कम ना बैठकर पढ़ना, पुस्तक को आंखों से कम 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। बच्चों कभी भी हमें बुक को इतनी दूर यानी कि 12 इंच दूर रखकर हमें पढ़ना चाहिए, ताकि नजदीक ऐसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। यदि तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। अगर तुम दाल और सब्जी नहीं खाओगे और कभी भी चेयर पर बैठ के नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आंखों को चश्मा पहनना पड़ेगा। याद रखो कि हमारी आंखें अनमोल नियामक है, तो हमेशा याद रखना कि हमारी आंखें अनमोल नियामक है। ओके बच्चों, तो देखिए, माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या रवि को अभी चश्मा लगना जरूरी नहीं है? डॉक्टर ने कहा अभी तो शुरुआत है। तो माँ ने डॉक्टर से पूछा क्या रवि को अभी चश्मा जरूरी है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी तो रवि की शुरुआत है, अगर रवि ऐसा ही करते गया तो रवि को हम आगे जाकर चश्मा लगाना पड़ेगा। विटामिन के कैप्सूल देने और हरी सब्जी खाने के लिए से भी या कभी कुछ समय में पूरी हो जाएगी। अगर विटामिन के कैप्सूल और रोज हरी सब्जी दूध फ्रूट खाने से रवि को चश्मा नहीं लगेगा, कुछ समय में पूरी हो जाए। साथ ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, तो आप रोज 2-3 बार रवि को कराती रहो। तो मान डॉक्टर ने कहा रवि को सुबह के टाइम मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज भी आपको रवि को करवाना है। रवि जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे बताई गई तो बात पर ध्यान देने के लिए कहा। रवि बोला, डॉक्टर अंकल अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। रवि जब घर जाने जा रहा था अपनी माँ के साथ, तो डॉक्टर ने कहा रवि तुम ये सब बातें ध्यान रखना। तो रवि ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं अब सारी बातें समझ गया हूँ, मैं अभी से हरी पीली सब्जियां और दाल खाया करूंगा, मैं आज से हरी पीली सब्जियां रोज खाऊंगा तथा सीधे कुर्सी पर बैठ के ही पढ़ूंगा और टेलीविजन नहीं देखूंगा। रवि ने डॉक्टर से कहा कि मैं रोज हरी पीली सब्जियां खाऊंगा और कुर्सी में सीधा बैठकर पढ़ूंगा और मैं टीवी ज्यादा नहीं देखूंगा। रवि और माँ खुशी खुशी घर लौट चले। माँ खुश थी कि रवि अब उनकी बातें मानेगा और रवि खुश था क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रवि और माँ दोनों घर वापस आ गए और खुशी खुशी से माँ बहुत खुश थी क्योंकि रवि अपनी माँ की बात मानने लगा था और डॉक्टर अंकुल जो कह रहे थे वो करने के लिए तैयार था। तो रवि माँ बहुत खुश थी और रवि भी बहुत खुश था क्योंकि रवि को दर्द का आंखों में दर्द किस तरह क्यों हो रहा है उसे उसका इलाज का पता लग चुका था, इसलिए वो भी खुश था। देखिए बच्चों, उसने प्रण लिया कि अब से वह ईश्वर की दी गई इस अनमोल नियमत को विशेष ध्यान रखेगा। वे यानी कि प्रॉमिस कर रहा था और बोल रहा था कि भगवान ने हमें इस अनमोल नियमत का मैं ध्यान रखूंगा, इसे अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, मैं रोज हरी सब्जी खाऊंगा और नीली पीली दाल भी खाऊंगा, दूध भी और फ्रूट्स भी खाऊंगा। तो देखिए बच्चों, हमारी धरती टेलीविजन देखने के बाद हम यहाँ से उसे बंद कर देना चाहिए जिसे बिजली व्यथना हो जाए, है ना बच्चों? करेक्ट है ना? जब हम टीवी देखना हमारा हो जाएगा तो उसे कुंडा छोड़कर हमें सोना नहीं चाहिए, उसे हम तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें भगवान खूबसूरत आंखें, खूबसूरत नाक कान मुंह भगवान ने हमें
हमें एक गिफ्ट के तौर पे दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी आंखें भी कमजोर है या लाल हो रही है, पानी छू रहा है आंखों में से, तो आपको क्या करना है, रोज अच्छी सी हरी सब्जी खाना है, दाल यानी कि पीली दाल, लाल दाल, जो भी दाल है उसे भी अच्छे से खाना है, फ्रूट्स खाना है, दूध पीना है, तो हमें आंखों को कमजोरी नहीं आएगी। है बच्चों, आई बात समझ में? ओके, तो देखिए बच्चों यहां पर नए शब्द स्नान, अनमोल, नजदीक, टेलीविजन, एहसास, नियामक, आवश्यक, प्राण। ओके बच्चों, ये है आपके नए शब्द। तो बाकी है आपकी साक्षी, मैं आपको साक्षी में क्या देने वाली हूं, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो साक्षी में आपको क्या लिखना है, देखिए साक्षी साक्षी में लिखना है पेज नंबर 21। Okay, बच्चों, bye बच्चों, take care.